आपको बताना हूँ बड़ी मनोरंजक बात, अंतर जानिए मोबाइल का कैलकुलेटर तथा सामान्य कैलकुलेटर के बारे में। देखो दोनों अलग अलग सिद्धांत पर परिणाम देते हैं, कभी भी बड़ी भूल हो सकती है, इसलिए मैं जानबूझ कर दे रहा हूँ। मोबाइल मेमोरी द्वारा मॉडमास रूल्स से क्रमबद्ध कैलकुलेशन करता है। मोबाइल जो है ना वो जो कैलकुलेशन करता है वो मॉडमास BODMS मॉडमास रूल्स से क्रमबद्ध कैलकुलेशन करता है, परंतु सामान्य कैलकुलेटर जो है वो हर स्टेज पर ही कैलकुलेशन पूरी करके परिणाम देते रहता है। अतः भूल से बचे, सामान्य कैलकुलेटर से ही काम करने का प्रयास कीजिए। मैं उदाहरण के तौर पर आपको देता हूँ, सामान्य कैलकुलेटर 4 + 4 / 4 इसका परिणाम 2 देगा, मगर मोबाइल का कैलकुलेटर 4 + 4 / 4 परिणाम देगा 5। जांच करें, आपको पता लगेगा कि ये कैलकुलेशन बराबर नहीं है मोबाइल का। सामान्य कैलकुलेटर 4 + 4 / 4 32 का आंकड़ा देगा, मोबाइल कैलकुलेटर 4 + 4 / 4 20 का आंकड़ा देगा। करके देख लो, जांच कर लो, सामान्य कैलकुलेटर से काम कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।